दोस्तों प्रभास और अमिताभ बच्चन स्टार अप फिल्म कल्कि 28-29 AD को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस फिल्म की रिलीज का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां पर पहले इस फिल्म का नाम बदला गया था, वहीं इसको पोस्टपोन करने की भी खबरें सामने आई थी, मगर अब इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट आ गई है, जो कि 9 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। ये फिल्म हिंदी के अलावा तेलुगु में आएगी। वहीं पर दोस्तों बताया जा रहा है 600 करोड़ रुपए के बजट में बनी कल्कि 28-29 AD का नाम पहले प्रोजेक्ट था। इसकी एक झलक कुछ समय पहले दिखाई गई, जो कि बहुत चर्चा का विषय बना था। प्रभास की जहां आदिपुर फ्लॉप साबित हुई, तो वहीं पर सालार ने उन्हें तिनके का सहारा दिया। अब इस मूवी से उनके भी करियर की नई उड़ान मिलेगी या नहीं, रिलीज के बाद ही मालूम होगा। दोस्तों पहले बताया गया था ये साइंस फिक्शन फिल्म 12 जनवरी को आने वाली थी, फिर खबर आई शायद मार्च या अप्रैल में 2024 में रिलीज हो सकती है, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है 9 मई 2024 को वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इसका टीजर जिसका समय 1 मिनट 23 सेकंड का होगा, वो आज 15 जनवरी 2024 को आएगा, जिसे सेंसर बोर्ड ने US सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है। प्रभास के साथ जहां ये अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की पहली मूवी है, लेकिन दोनों पहले साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में इन तीनों की जोड़ी एक स्क्रीन पर देखने के लिए दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन इससे पहले दीपिका पादुकोण फाइटर में नजर आएंगी। इस फिल्म से कोई क्लैश ना हो, इसलिए वो मेकर्स ने कल्कि 28-29 AD को पोस्टपोन किया था। अब दोस्तों फाइनली अब इसकी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। पर दोस्तों इसको नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। वैसे दोस्तों आप सब लोग कल्कि 28-29 AD को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।